गाइस रिकॉर्ड वाले तो आज मैं जा रहा हूँ तिरुपति घूमने के लिए। तिरुपति बालाजी नाम तो सुने होंगे, तो बहुत दिन से मन था जाने के लिए, तो फाइनली मैं आज ही जा रहा हूँ क्योंकि कल गणेश पूजा है, छुट्टी है कंपनी था तो इसलिए छुट्टी नहीं मिलता है, तो आज छुट्टी मिला है दो दिन, तो इसलिए जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो दुख है गाँव जाने के लिए, दुख था अभी गाँव का दोस्त फोन करके जाने के लिए, वो भी उधर भी नहीं जा सका, इधर भी मेरा दोस्तों का आने मेरे से कुछ रीजन था इसलिए नहीं आ पाए। तो मेरा मन था कि मैं जाऊँ तिरुपति घूमने के लिए, तो मैं आ गया तिरुपति घूमने के लिए। तो अभी जा रहा हूँ अभी चेन्नई सेंट्रल से तिरुपति, तो वीडियो में बन रही है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जगन्नाथ। चेन्नई से 9:15 में ट्रेन था जो कि इतना खाली था, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना खाली होगा। बहुत ही ज्यादा खुशी लग रहा है क्योंकि बहुत दिन के बाद, मतलब कभी नहीं सोचा था कि अकेले जाऊंगा तिरुपति घूमने के लिए, तो आज इतना खुशी हो रहा है। अभी देख सकते हैं कितना पहाड़ का इतना नज़ारा, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। सुबह 6 बजे एक ट्रेन था जो कि डायरेक्ट तिरुपति जाने वाला था, तिरुपति रेलवे स्टेशन। अभी जो ट्रेन में बैठा हूँ वो तिरुपति नहीं जाएगा, वो जाएगा रेनीगुंडा जंक्शन जो कि तिरुपति से थोड़ा पीछे है, तो उधर से मेरे को उतर के बस लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, मैं तो पहले बार जा रहा हूँ। कभी भी आप ट्रेन पे या बस पे जाओ ना, साइड वाला सीट जरूर लेना, नया नया चीज दिखने को मिलेगा। तो जहाँ भी देखो बस पहाड़ी पहाड़ और जंगल। तो 3 घंटे के बाद मेरा फाइनली आ गया है मेरा स्टेशन जो रेनीगुंडा जंक्शन है। स्टेशन आ गया रेनीगुंडा, यहीं पर हम लोग उतर गए तो स्टेशन के अंदर मेरे को पुलिस पकड़ लिया था, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, तो देखते कहाँ बस मिलेगा वो मालूम नहीं। अंकल जी बस कहाँ मिलेगा तिरुपति जाने के लिए? तिरुपति जाने के लिए मैडम में तो बस जाने के लिए मिल गया अपने को ठिकाना, कहाँ मिलेगा बस तिरुपति जाने के लिए। तो ये वाला बॉस निकल के जा रहा है मेरे हाथ से, रुक भाई रुक जा। तो बॉस अभी छूट जाने वाला था, तो क्योंकि मेरे को अंकल जी बोले कि ऐसा वाला बॉस जाएगा ग्रीन कलर का जो बॉस है वो तिरुपति तक जाएगा बस स्टैंड तक, तो फिर मैं देखा तो बॉस निकल गया था मेरे हाथ से, तो फिर मैं दौड़ के आया और टिकट भी लिया और 30 रुपया था तिरुपति लेके छोड़ेगा, तिरुपति से दूसरा वाला बस में दूसरा एक बस जाएगा और मतलब पूरा ऊपर छोड़ेगा लेके तिरुमला तक। तो आधा घंटा लगा, आधा घंटे बाद ये है तिरुपति बस स्टैंड, तो वहीं पे मैं उतर गया, तो आगे तक तो कोई मिल तिरुमला तिरुमला तिरुमला
आ गए हैं। तो इधर से जो जा रहे हैं वो सब मंदिर तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये लोग आ गया है देखो सब। फाइनल तो एक साल बाद आना ही था, आ गया। बाकी दुख थोड़ा है, अकेले आया, दोस्त के साथ नहीं आ पाया। दोस्त के साथ आते तो मज़ा थोड़ा अलग होता। 6-7 घंटा का सब पूछना पड़ेगा ऐसे तेरा। सब दुकानें मिल जाएगी, मिनी मार्केट। सब ट्रेडिशनल है ये तो। इंडिया में किधर भी चला जाओ यही तो दिखने को मिलेगा बस। तो स्पेशल दर्शन के लिए 500 इस साइड में जाना पड़ेगा, वो गाड़ी में लेकर जाएंगे। इस साइड से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, पैदल ही चले जाते हैं, फ्री में दर्शन करेंगे, क्यों किसी को पैसा देना। हाँ कुछ फेस्टिवल नहीं, फिर भी इतना भीड़ है, लगता तो बहुत भीड़ है, फिर भी इतना भी नहीं है। आसान से आ जा सकते हैं, पहला देखना पड़ेगा कहाँ मोबाइल रखते हैं और क्या ब्याग, उसको पहला निपटाएंगे, उसके बाद जो होगा। मार्केट तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, मार्केट ही मार्केट यहीं पे। धूप तो लग गया है जोर से। क्या समोसा कितना प्लेट? 1 प्लेट दो। पूरा ऑयली ऑयली है क्या रे। मैं भी पहली बार आया हूँ तो मेरे को उसे कुछ मालूम नहीं है, पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, फिर भी पूछ के जाएंगे। फ्री दर्शन के लिए, फ्री दर्शन ये तो जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। बाकी देख रहा है भाई बढ़िया, पैदल खाली पैर में जाओ ना, लकर पीछे है, इस साइड में लकर है, मतलब फ्री में। देखेगा तो बोलेगा कि तिरुपति से आया हूँ भाई, बढ़िया है ना, बढ़िया तो लग रहा है। क्या हुआ कि मैं पास नहीं लिया था, जो टोकन होता है वो नहीं लिया था, तो इधर से मेरे को टोकन देना पड़ेगा, नीचे से लाना पड़ता है करके मेरे को मालूम नहीं था। तो मेरे को अभी यहाँ से टिकट टोकन देना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूँ अभी टोकन लेने। टोकन मतलब आपको पीछे नहीं जाना है, आगे ही आपको ऐसे क्या घूम के जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा और आधा घंटा 1 घंटा टाइम भी लग सकता है, ऐसा कोई नहीं है। आपके पास टाइम है तो आप आराम से दर्शन करके जाइए, आपको हमें थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आपको नया नया जगह देखने को मिलेगा, एकदम पहाड़ का ऊपर, कम से कम 20-30 किलोमीटर ऊपर है तो आप घूम घूमेंगे। तिरुपति में क्या है, मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है। आप मास्क नीचे नहीं ला सकते तो इधर भी मिलता है, 10 रुपये देकर देते हैं, तो मास्क भी लगाना जरूरी है। 10 रुपये लेना क्यों, आप जो यूज करते हो वही लेके आ जाओ, सबसे बढ़िया। बहुत पैदल चलना पड़ता है भाई, फ्री दर्शन करना हो तो बहुत पैदल पैदल यात्रा करना पड़ता है। अभी ऐसा पास पैसा है तो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लगेज रखना पड़ेगा, तो मैं अभी लगेज रख लूँगा, मोल लगेज है मोबाइल। तो यहाँ पे दर्शन का कुछ पास लेके आना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखा के, आधार कार्ड नहीं है फेस दिखाते हैं बस, तो इस पर लिखा भी हुआ है 1 लड्डू फ्री मिलेगा। टाइम अभी कितना हुआ, दर्शन करने का टाइम जो था वो सुबह 3 बजे था, तो 2-3 घंटे पहले हमारा हो गया था दर्शन, तो रात को 12 बज गया था उस टाइम से। तो हम लोग खाने के लिए सोचे थे, तो कुछ सामने से दिखा नहीं, तो हम लोग फास्ट फूड ही ले लिए, भेज वाला फास्ट फूड है, नॉन वेज उधर मिलता ही नहीं है। सजावट जितना है ना भाई मानना पड़ेगा, एक नंबर का, सब कच्चा फूल है, ओरिजिनल का। हाँ ओरिजिनल फूल, एग्जिट पॉइंट जो है यही से है, एक से एक वीआईपी वाले सब डेकोरेशन में आए।
इसी ने जुड़ के रहते होंगे कंपनी में। और फिर रात को जो है कुछ 12 बजने वाला है, 6 घंटे के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। पचास से लेके 200 तक लड्डू मिलती है। एक तो रहता है 50 का, 100 का और 200 का, अलग अलग साइज रहता है। भाई आपको कवर भी अलग से लेना होता है। तो यहाँ पे लड्डू पॉइंट है, यहाँ पे कवर ले लीजिए। लड्डू अलग मिलता है, कवर अलग मिलता है ना। सबसे मेन पॉइंट है कि आपको जो टोकन मिलेगा वो टोकन पे ही एक लड्डू फ्री मिलेगा आपको। देखने के लिए तो भाई बहुत जगह है देखने के लिए ना, इधर एक दिन में घूम नहीं सकते, कम से कम 6-7 दिन चाहिए भाई घूमने के लिए। पुराना बनाओ, पता नहीं हाथी कहाँ है, हाथी भी रहती है। हाथी को घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं तालाब की तरफ। आइए इधर इधर आइए, ये साइड में, साइड में। हाँ, तो हम लोग तालाब घूमने के लिए आए थे, तो ये टाइम ज्यादा होने के कारण बंद हो गया है। सुबह आके नहा सकते हैं ना इधर। ओ पानी तो एकदम वाव। अच्छा, जो तालाब आपको अभी दिखाया वो बंद है, अभी सुबह 5 बजे खुलेगा। तो वहीं पर नहा के सीधा दर्शन करना है ये वाला मंदिर में, उसके बाद वेंकटेश्वर स्वामी को दर्शन करना है बस। नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया प्लेस में मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे।